18 छक्के 6 चौके और मात्र 41 गेंदें, मिल गया दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज। क्रिस गेल हो या डिविलियर्स, उसके सामने सबकी सांसें फूल गईं। रोहित, विराट तो दूर दूर तक नजर नहीं आते। इतना विस्फोटक बल्लेबाज आपने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। मिनटों में शतक बनाता है यार। कौन है ये बल्लेबाज जो गेंदबाजों के लिए काल है? उसे बॉलिंग कराने से पहले बॉलर 10 बार सोचता है। वो क्रिस गेल का दादा, डिविलियर्स का चाचा, युवराज सिंह का मामा और रोहित विराट तो उसके सामने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। बल्ला पकड़ते ही बड़े से बड़ा रिकॉर्ड झटके में निकल गया। घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में शतक बनाता है। उसके बल्ले के विस्फोट के सामने हर गेंदबाज बुझी हुई अगरबत्ती की तरह फुस हो जाता है। और हद तो तब हो गई जब दुनिया के सबसे तेज शतक लगाने वाले खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मात्र 41 गेंदों में 18 छक्के और 6 चौके जड़ दिए। अब इतने बाबाई सुनने के बाद जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये बल्लेबाज कौन है, तो हम बताते हैं। दरअसल इसका नाम है साहिल चौहान। बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2024 के कारण इस वक्त क्रिकेट फैंस में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हो रहे इस टूर्नामेंट में अभी तक वैसी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली जिसके लिए T20 क्रिकेट जाना जाता है। उम्मीद तो की जा रही थी कि वर्ल्ड कप में ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वर्ल्ड कप से अलग जरूर एक ऐसी पारी देखने को मिली जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये कमाल कर दिखाया है साहिल चौहान ने, जिन्होंने एक ही दिन में 2 T20 खेले और फिर सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल एपिस्कोपी में जहां साइप्रस और एस्टोनिया के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, वहीं सोमवार 17 जून को इन दोनों टीमों के बीच 6 मैचों की सीरीज का पहला और दूसरा मैच खेला गया। जी हाँ, एक ही दिन में 2 मैच और दोनों ही मैच एस्टोनिया ने जीते, जिसमें दूसरे मैच में तो सनसनीखेज बैटिंग का नजारा देखने को मिला और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सीरीज के पहले मैच में साइप्रस ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन और एस्टोनिया ने 5 विकेट खोकर ये मैच जीत लिया था। इस मैच में दाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल चौहान खाता भी नहीं खोल पाए थे और पहली गेंद पर ही आउट हो गए थे। कुछ ही देर में दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच खेला गया, तो इस बार साहिल ने अकेले अपने दम पर तबाही मचा दी। इस बार भी साइप्रस ने पहले बैटिंग की, 191 रन बनाए। एस्टोनिया ने सिर्फ 9 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद साहिल की एंट्री हुई और फिर तो बस छक्कों की बारिश देखने को मिली। साहिल ने पहले 14 गेंदों में 8 शतक पूरा कर लिया और फिर 27 गेंदों में इस शतक भी पूरा कर लिया। इतिहास रच दिया साहब। इस तरह T20 क्रिकेट के सबसे तेज शतक के क्रिस गेल 30 गेंदों में शतक लगाने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। साहिल ने 41 गेंदों की पारी में 144 रन बनाए, जिसमें 18 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इस तरह उन्होंने T20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा छक्कों के हजरत तुल्ला जाजाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके दम पर एस्टोनिया ने सिर्फ 13 ओवर में 6 विकेट से जीत लिया ये मैच। 32 साल के साहिल विस्फोटक बैटिंग के लिए मशहूर हैं। उन्होंने इससे पहले भी मई में ही एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर सनसनी फैलाई थी और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और अब तो उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भूकंप भी ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।